अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है वो है आपकी आठवीं जमात की उर्दू किताब का सबक। तो इसका उन्वान है आजमाइश शर्त है। तो आज हम इसके मशकी सवालात करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल जो है वो है अल्फाज और मानी। तो इसके बाद दूसरा सवाल जो है, तो इसमें कुछ हिस्से हैं, इनके जवाब लिखने हैं। तो पहला है, बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी। तो इसका जवाब लिखेंगे, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को ये नसीहत की थी कि वो आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त ना बनाए और किसी ना किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी आजमाइश के वक्त परखने की कोशिश करे ताकि आइंदा के लिए उसे तजुर्बा हासिल हो। तो इसका दूसरा है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला। तो इसका जवाब लिखेंगे, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता नौजवान की बीवी के कहने के ज़रिए से चला। तो इसका तीसरा है, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इतला दी। तो इसका जवाब लिखेंगे, मुखबिर ने अपने फ़राइज मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को इतला दी। तो इसका चौथा है, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था। तो इसका जवाब लिखेंगे, नौजवान ने अपने बाप की नसीहत को पूरा करने और अपनी बीवी और अपने दोस्त को आजमाने के लिए कत्ल का ढोंग रचाया था। तो इसका पांचवा जो है वो है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो इसका जवाब लिखेंगे, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी को बग़ैर आजमाए अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। तो इस सूरत में दूसरा सवाल मुकम्मल होता है। तो अब इसका तीसरा सवाल जो है वो है, दर्ज ज़ेल महावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो चंद महावरात दिए गए हैं, तो इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी कि इनके जुमले बनाने हैं। तो पहला जो मुहावरा है वो है, फूले ना समाना। तो इसका जुमला बनाएंगे, ईद का चांद देखकर हामिद फूले ना समाया। दूसरा है, ढोंग रचाना। तो इसका जुमला बनाएंगे, अपनी बीवी को आजमाने के लिए नौजवान ने कत्ल का ढोंग रचाया। तो तीसरा है, बाग बाग होना। तो इसका जुमला बनाएंगे, जमीला अपनी कामयाबी की खबर सुनकर बाग बाग हुई। तो अब इसका चौथा है, उल्टे पाँव लौटना। तो इसका जुमला बनाएंगे, मुखबिर को जब कातिल मिला तो वो उल्टे पाँव लौटा। तो इसके बाद है, हक्का बक्का रहना। तो इसका जुमला बनाएंगे, अपने दोस्त की लाश देखकर वो हक्का बक्का रह गया। तो इसके बाद है, दिल बर्दाश्ता होना। इसका जुमला बनाएंगे हम, बाप की बीमारी पर वो दिल बर्दाश्ता हुआ। तो इसके बाद का मुहावरा जो है वो है, दिल भर जाना। तो इसका जुमला बनाएंगे, काफ़ी उर्सा के बाद माँ को देखकर इसका दिल भर गया। तो इसके बाद आखिरी मुहावरा जो है, जो यहाँ दिया गया है वो है, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका जुमला बनाएंगे, आज की दुनिया में हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। तो इस सूरत में ये सबक मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कापी पर ये दर्ज किया होगा और साथ साथ याद भी करोगे। तो अब इसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये T1 का सबक था, T1 का आखिरी सबक था। तो जल्दी ही आपका T1 लिया जाएगा। तो दीजिए इजाज़त अपने उस्ताद शरीफ साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।